फ्रेंड्स, आज हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिस्कस करते हैं। आपको पता है फाइलम कॉर्डेटा के थ्री सब फाइलम्स हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम डिस्कस कर चुके हैं, सो इट इज टर्न ऑफ वर्टिब्रेटा। ये आज वर्टिब्रेटा का टर्न है। समझने की कोशिश करिएगा। पहले कनेक्टर आता है नोटोकॉर्ड। अब समझ लीजिए, हमने पहले भी बताया था नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें केवल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और एडल्ट में ये नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है? बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में अगर हम कहें तो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी या बैकबोन में ये कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है ना? अब वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म पे। हो सकता है ये वर्टिब्रल कॉलम कैसा हो, वर्टिब्रल कॉलम या जो बैकबोन में कन्वर्ट हुई है कार्टिलेज से बनी हो, या फिर हो सकता है ये बोनी हो। इन चीजों को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। क्रेनियम की बात करें, क्रेनियम मीन्स क्या होता है? सिंप्लीफाइड वे में अगर हम कहें तो ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम कहते हैं। व्हाट इज अ ब्रेन बॉक्स? हमारा ब्रेन जिस बोनी स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है उसी को हम क्रेनियम कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड क्रेनियम देखने को मिलता है। एक वर्टिब्रेट्स का एडवांस करेक्टर है। क्लियर है ना? हाई डिग्री ऑफ सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन का मीनिंग क्या है? जब आप अदर ऑर्गेनिजम्स को देखते हो तो उनमें हेड रीजन उतना डेवलप नहीं होता है। सिफेलिक मींस ही जब आप पढ़ेंगे डिटेल में कभी, तो सिफेलिक मींस होता है हेड, यानी कि हेड रीजन की बात की गई है। तो हेड रीजन जो है वो बहुत डेवलप होता है। ह्यूमन बींग्स में देख लो भाई, जब आप वर्टिब्रेटा को पढ़ोगे तो कौन कौन आएगा? वर्टिब्रेटा में फिश आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। हेड देखो, एकदम अलग से हेड अपियर होता है, जिसपे आईज हैं, माउथ है, नोज है, ईयर्स हैं, ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत डेवलप टाइप का हेड अलग से प्रेजेंट होता है। हम जब हर्ट की बात करते हैं तो सिंपली हमने कॉर्डेटा के करेक्टर्स में कहा था कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें वेंट्रल हर्ट होता है, और वर्टिब्रेट्स किस में आते हैं? कॉर्डेट में आते हैं। यानी कि हमेशा हर्ट किधर मिलेगा? बॉडी की वेंट्रल साइड में मिलेगा। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमने आपको बताया कि हमारी जो स्टमक वाली साइड है, जिधर हमारा फेस होता है, ये जो बॉडी की साइड है इसे वेंट्रल साइड बोलते हैं, और हमारी जो बैक साइड है, पीठ की साइड है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। तो हमारा हर्ट वेंट्रल पर है, ऐसे ही सारे ऑर्गेनिज्म का हर्ट वेंट्रल साइड पर होता है। इसके साथ साथ कितने चेम्बर्ड हो सकता है? टू चेम्बर्ड हर्ट हो सकता है। जैसा आपको पता है कि फिश में कितने चेम्बर्ड होता है? टू चेम्बर्ड होता है। एम्फीबियंस में थ्री चेम्बर्ड हर्ट होता है। रेप्टाइल्स में थ्री एंड हाफ चेम्बर्ड टाइप की कंडीशन होती है, जहां पर वेंट्रिकल पार्शियली डिवाइड होता है। इसके बाद बर्ड्स और मैमल्स में फोर चेम्बर्ड हर्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो फोर चेम्बर्ड हर्ट यहां पर देखने को मिलता है। तो टू थ्री या फिर फोर चेम्बर्ड कंडीशन होती है हर्ट की। किडनी की बात की जाए तो वन पेयर, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में वन पेयर किडनी प्रेजेंट होती हैं। और किडनी का फंक्शन पता ही क्या है? मेनली क्या होता है किडनी का फंक्शन? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? मतलब बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं ना, उनकी जो ऑस्मोलैरिटी है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनका जो होम्योस्टेसिस है, उसको मेंटेन रखना, ये काम है किडनी का। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो जब आपने पढ़ा होगा कहीं पर, तो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में सीएनएस बोलते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उतना पार्ट आता है जो मेनली किससे डेवलप हुआ है? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड से डेवलप हुआ है। इसके दो पार्ट होते हैं, हमने पता है पढ़ाया था कि एंटीरियर पार्ट ज्यादा डेवलप हो जाता है तो वो क्या बना लेता है? ब्रेन बना लेता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। दूसरा क्या है? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी शॉर्ट में ये समझिए कि जितनी नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उन सारी नर्व्स को किसमें स्टडी करते हैं हम? पीएनएस या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्टडी करते हैं। तो इस टाइप से नर्वस सिस्टम होता है, डिटेल में हम आगे बढ़ाएंगे।
आगे अगर आप क्रेनियल नर्व्स की बात करें, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उन सारी नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और जो क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं उनका नंबर वेरिएबल होता है। ये कुछ ऑर्गेनिज्म में 8 पेयर, कुछ में 10 पेयर, और कुछ में कितनी होती हैं? 12 पेयर। वैसे ह्यूमन में कितनी होती हैं? 12 पेयर्स ही होती हैं। डिटेल में पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, ब्रेन से रिलेटेड चैप्टर में। पेयर्ड अपेंडेजेस की बात की जाए, अपेंडेजेस यानी कि जो पार्ट बॉडी से अलग निकले हुए होते हैं एक तरीके से। क्लियर है ना? तो मेनली क्या होता है, अगर फिश वगैरह में देखें तो उनमें पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन फिन्स की वजह से वो क्या करती हैं? तैरने का काम करती हैं, स्विम करने का काम करती हैं। और अदर ऑर्गेनिज्म में बात की जाए तो उनमें क्या मिलते हैं? लिम्स मिलते हैं। लिम्स मीन्स फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स किसको बोलते हैं? हमारे हैंड्स, अपने हाथों को फोर लिम्स बोलते हैं। या फिर जो पेक्टोरल गर्डल यानी कि आगे वाली जो गर्डल के साथ जो पार्ट्स जुड़े होते हैं उन्हें फोर लिम्स बोलते हैं, और पेल्विक गर्डल के साथ जो जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्स बोलते हैं। क्लियर है ना? बाद बाकी वर्टिब्रेटा में क्या आता है, वर्टिब्रेटा की डिटेल को हम आगे कंसीडर करेंगे। ओवरऑल अगर आपको एक एक इजी इमेज अपने माइंड में डेवलप करनी है कि वर्टिब्रेटा के करेक्टर एक्चुअल में किसके करेक्टर हैं, तो वर्टिब्रेटा के करेक्टर वो हैं जो फिश में मिलते हैं, जो एम्फीवियन में मिलते हैं, कॉमन करेक्टर्स उस टाइप के, जो रेप्टाइल्स में मिलते हैं, जो बर्ड्स में और जो मैमल्स में मिलते हैं, उन सारे करेक्टर्स को ही हम किसमें स्टडी करते हैं? कहीं ना कहीं सब फाइलम वर्टिब्रेटा में स्टडी करते हैं। क्लियर है ना? फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करिएगा। धन्यवाद।